मतलब रोड डाल के छोड़ दिया, वोट तो लगाता ही नहीं, जनता को पता क्या चलेगा कितना का राशि है, कितना का क्या है, को है न कम। सिर्फ रोड के किनारे जहाँ जहाँ पॉइंट लगा है वहीं पानी चल रहा है, घर में किसी का कनेक्शन नहीं है। ये हुआ 4-5 लाख का घर बना लिया है और हम लोग को कोई कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को कहीं भी नहीं हुआ अच्छा काम। जहाँ भी हुआ अभी देखिए कि मनरेगा वाला काम चला, डांड खुदाई किया, बस 10 फीट करवा दिया, 20 फीट का पैसा उठा लिया, अभी तक अधूरा है, पानी का निकासी नहीं दिया है। लगता है कि वो बोला कि नहीं दीजिएगा तो 21 पैसा रुक जाएगा। 20,000 रुपया लाओ, पहले 20,000 रुपया लिया उसने। ग्रामीण स्तर पर मुखिया का चुनाव इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो सके, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान दे सके। इसी विकास की खोज करने, इसी विकास की सच्चाई जानने हम हर क्षेत्र, हर ग्रामीण स्तर पर जा रहे हैं और वहां आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या विकास कार्य हो रहा है, यह कितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूं अभी चांदपुर पंचायत के पंचायत भवन के सामने और यहां से हमारी यात्रा शुरू होगी, हमारा दौरा शुरू होगा और हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है, मुखिया द्वारा अपने कार्यकाल में कितना काम किया गया और कितना लूट खसोट अभी भी बरकरार है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पूरे शो को, जिसमें आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य, नाला, सड़क, पानी, इन सभी चीजों की समस्याएं अभी भी जस की तस बरकरार है या सरकार ने इस पर कोई पहल किया है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की वास्तविकता, जो विकास कार्य यहाँ धरती पर हुआ है, नाले, सड़कें या फिर पानी की जो भी सुविधा या समस्या है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल हम जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर पंचायत वार्ड संख्या 9 में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके वार्ड में या फिर इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य मुखिया के द्वारा किया गया है या फिर मुखिया अपना खाना पूर्ति करने में व्यस्त रह गए, पूरे कार्यकाल के दौरान कितना कार्य हुआ है, पानी की समस्या बरकरार है, सड़क की समस्या है या फिर नाले की, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि कौन कौन सी समस्या आज भी जस की तस धरी हुई है, बनी हुई है। चाचा की नाम बोलो तरह मुखिया मुखिया द्वारा की काम बोले तो जानें छो कोई काम नहीं हुआ, फालतू काम हुआ, नौ कुछ लगा हुआ है, बोर्ड क्या लिया सरकार, क्या दिया कोई हम लोग नहीं जानते, न कुछ जैसे कि ठोका गया है वो भी नहीं पड़ा गया, यानी बोर्ड नहीं लगाया गया, कहूँ नहीं लगा। और रोड 4 इंच डाला, रोड समस्या तो क्षेत्र और खत्म हो रहा, अखनी भी रोडम खान मतलब धांधली हो रहा है, धांधली हो रहा है, रोड का इंच 4 इंच डाला, 2 इंच 3 इंच क्या समस्या है सड़क का? सड़क का तो बनवे क्या है, लेकिन यहाँ का जो मतलब काम करता है मुखिया या वार्ड नंबर हो तो उसमें तो घफलाबाजी है, ये जहाँ 6 इंची रोड डालने का वहाँ 2 इंच 3 इंच डलाता है, तो इस स्थिति में मतलब रोड डाल के छोड़ दिया, वोट तो लगाता ही नहीं, जनता को पता क्या चलेगा कितना का राशि है, कितना का क्या है, को है न कम। तो आपके क्षेत्र में आपके घर के आसपास सड़क का निर्माण यदि हो रहा है 6 इंच के बदले में यदि 2 इंच ढाला जा रहा है, कभी इस चीज़ का शिकायत मुखिया से या फिर वार्ड पार्षद से आप लोग किए? अरे इसमें तो बहुत तरह का दिमाग लगे लेकिन कोई मतलब परवाह नहीं करता है। कर रहा वो केयर ही नहीं करता है, डालने के टाइम में बुलाते हैं तो आता नहीं है, कहता ही तो ऊपर से है, ऊपर कितना ऊपर है हम पता नहीं चलता। जल की समस्या भी ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बरकरार है, जैसे कि ढिंढोरा पीटा जाता है हर घर नल या फिर शुद्ध पेयजल, इन सभी मुद्दों पर भी बात करेंगे। चाचा पानी का समस्या आपके क्षेत्र में अभी भी बरकरार है या फिर उसका कुछ निदान हुआ? देखिए सरकारी कोई निदान नहीं है, जो भी पानी आप देख रहे हैं बगल में वो सिर्फ रोड के किनारे जहाँ जहाँ पॉइंट लगा है वहीं पानी चल रहा है, घर में किसी का कनेक्शन नहीं है। और अब देखिए फिर से इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगी और दोबारा मुखिया का चुनाव होगा, कौन कौन सा विकास कार्य इस मुखिया द्वारा नहीं किया गया और आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए? उस तक लड़के लोग बताएगा, उतना हम लोग का कोई उससे ध्यान नहीं रहता है, समझ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे तो आप लोग भी नज़र में देख रहे हैं क्या विकास चाहिए गाँव के लिए। अब देखिए मेन रोड है, मेन रोड की दशा देख रहे हैं ना, अभी जो आप आए
मुखिया 5 लाख का घर बना लिया। और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है भाई तुम्हारा? कपिल देव कुमार। क्या बता रहे? यही बता रहे थे कि मुखिया अपना पेट भरने में लगा हुआ है और 4-5 लाख का घर बना लिया है। और वही हुआ, 4-5 लाख का घर बना लिया है और हम लोग को कोई कुछ नहीं हो रहा है हम लोग को। तो समस्या क्या क्या अभी भी आपके मतलब क्षेत्र में बरकरार है? सड़क ठीक है, नाला ठीक है, बिजली पानी सब क्या सुविधा है? 2-3 इंची ढला है और कहाँ है, 2-3 इंची ढलवे किया है। हर क्षेत्र में समस्या जस की तस पड़ी हुई है। जहाँ तक सड़कों की बात है तो 2-3 इंची सड़क की ढलाई की जाती है और इसमें अपना जेब भरा जाता है। इसी तरह प्रकार से हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, हर वार्ड में जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या मुखिया द्वारा जो विकास कार्य किया गया है उससे वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के स्थानीय लोग संतुष्ट हैं या फिर उन्हें और भी विकास चाहिए। लगातार हम ग्रामीण क्षेत्रों में हर उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जो गांव में हुई विकास की हकीकत की पोल खोलते जा रहे हैं। हमारे साथ इस बार होने वाले चुनाव के भावी प्रत्याशी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा, क्या क्या विकास कार्य ठप पड़े हैं आपके क्षेत्र में और आप जब चुनाव लड़ेंगे तो वोट मांगने के लिए आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा ये है कि ये नदी से तो सारी बालू खत्म हो चुकी है, नदी का जो पानी है वो सिंचाई के लिए खेत तक पहुँचता नहीं है। डांड तो खुदाई होती नहीं और निपा पोती करके मुखिया लोग उसको खा जाते हैं। सरकार तक क्या उसकी कोई सुनवाई होती नहीं, यहाँ तक जनमिन तक कोई आता नहीं। और इस बार हमारा लोग का यह है कि अगर मैं ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था करूँगा और मैं नदी से पानी ले आने का प्रस्ताव रखूँगा सरकार के पास। ये विकल्प रखूँगा कि ये जो है पानी हम लोगों को सिंचाई कैसे हो। यह ज़मीन हम लोगों का रेगिस्तान के तरह दिखने को मिलता है, गाछ भूमि मर रहा है, पेड़ अगर सरकार भी देती है तो उसको सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, अपना जान करके कुछ कर नहीं पाते। और अभी का लोग जो है वो ऐसा है जो कोई किसी का कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई ज़्यादा बोलने को इच्छुक होता है तो उसे जो है धमकाया जाता है कि तुम ज़्यादा काबिल बनते हो तो तुझे उठा के बंद कर दिया जाएगा, तुम ऐसे हो। इंदिरा आवास को लेकर हुए घोटाले में अभी आप कुछ बता रहे थे कि घर देने के नाम पर जो लूट मचा हुआ है उसको लेकर आप कुछ बता रहे थे, तो हमारे दर्शकों को भी ये बात बताएं कि इंदिरा आवास को लेकर आपके पंचायत में क्या लूट मचा हुआ है? लूट मचा हुआ है कि बोला कि हम लोग सबको इंदिरा आवास देंगे, 5-5 सौ रुपया जो है वो पर घर से तहसील लिया लोगों से, हम ऐसे कर देंगे, वो सूची में दिखा करके ऐसा करता है, हर घर से पैसा तहसील करके। कहाँ आज तक किसी को है, व्यक्तिगत किसी को मिलता ही नहीं जन्मिन तक। जिसको मिला उसको क्या, उसको भी बसा लिया है, उसी तो लेता ही है, कौन कहता है कि नहीं। वो दबाव में आकर के भले नहीं बोलता है, पैसा तो लेता ही है, 20-20 हजार रुपया लेता है। ग्रामीण काफी नाराज दिख रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मंजीत पासवान। इंदिरा आवास को लेके क्या आपका क्या कहना है? 500 रुपया लिया है मेरे घर से, 1500 रुपया लिया है, ठीक है, और अभी तक डमोला का छौनी है, हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो इसका जब आप लोग के क्षेत्र में हर आदमी से 500-500 रुपया वसूला गया तो आप लोग इसका विरोध नहीं किए बाद में कि किस बात का 500 देंगे, और दिए तो फिर इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला? विरोध क्या करेंगे, पते न करेंगे, पूछबे न करेंगे, सुनने वाला नहीं है, पैसा जिसने लिया उसे पूछबे न करेंगे इंदिरा आवास आया है कि नहीं आया। लिया है गाँव समाज का जो जो उसका दलाल है वही सब करवाया है, लिया है पैसा। और लोगों से बात करते हैं। भैया आप बता रहे थे कि हर ग्रामीणों से करीब 20-20 हजार रुपए इंदिरा आवास के नाम पे या 500-500 रुपए फॉर्म भरने के नाम पे जो भी लिया जा रहा है, तो इसका विरोध ग्रामीण क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर इंदिरा आवास का फायदा या नुकसान कितना मिल रहा है यहाँ के ग्रामीण को? दबंग के डर से नहीं बोलता है सर, बाद में हमको डांटेगा धोतेगा, अभी कोई देखने वाला ना है। मान लीजिए बिजलीकरण हुआ, बहुत के घर में लाइट नहीं है, पैसा तो खत्म हो गया, इसको देखने वाला कोई ना है, मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर कोई कुछ नहीं बोलता है इसके विषय में। और पैसा कौन लेता है, मुखिया द्वारा किसी दलाल को रखा गया है, कोई बिचौलिया है? उसी सब में ना है, मुखिया हुआ, वार्ड मेंबर हुआ, ये सब मिलने भगत में है, वो लोग आगे नहीं बढ़ता है, दूसरे को बढ़ा देता है, अपना रहता है दुबक के। ग्रामीणों से पैसा वसूला जा रहा है घर देने के नाम पे, आवास देने के नाम पे, इस प्रकार से यदि गरीबों से लूट खसोट की जाएगी तो आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या फिर गांव में विकास की कितनी लहर तेज होगी। आप हमारे साथ बने रहिए सिल्क टीवी पर, हम गांव में ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे सारे विकास कार्य की पोल खोलेंगे और आप तक सीधा प्रसारण पहुँचाएंगे। क्षेत्र में तो जो उसका वर्क है वही हो गया ना, क्या क्या किया, रोड नाला तो मतलब संतुष्ट है।
सब्जी बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है। और इंदिरा आवास को लेकर? इंदिरा आवास तो दे रहा है, दे रहा है, पैसा भी ले रहा है। पैसा तो हमसे नहीं ले रहा है, अब क्या ले रहा है नहीं ले रहा है वो तो हमको पता नहीं है। अच्छा, मतलब सड़क नाला ये सब आपका सुविधा ठीक है? ठीक है। चांदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 13 में मौजूद हैं अभी हम, और यहाँ पर ग्रामीण विकास की स्थिति क्या है, क्या क्या विकास कार्य हो रहा है और कहाँ कहाँ मुखिया द्वारा अपना पॉकेट भरा जा रहा है, कहाँ कहाँ पर विकास कार्य ठप, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने और आप तक पहुँचाने हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ तक विकास कार्य हुआ है जिनसे ये प्रसन्न है और कौन कौन से विकास कार्य की जरूरत इनके क्षेत्र में अभी भी बरकरार है। चचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सदानंद यादव। आप जो मुखिया है अभी, सड़क नाला इंदिरा आवास ये सबका क्या कैसा कार्य का रहा? बहुत जो है डगमग है यहाँ का, 13 नंबर वार्ड में बहुत जो है ना हालत यहाँ का सही नहीं है। यहाँ का विकास बहुत कम हुआ है, यहाँ का विकास जो है रोड जो है अधूरा है और नाला भी अधूरा है, और बिना मतलब जो है ना ढक्कन का नाला बना के तैयार किया है, और जहाँ मतलब ईटा सोलिंग हुआ है वहाँ भी जो ईटा सब गिर रहा है। और इंदिरा आवास जो है ये लोग जो है 20-20 हज़ार रुपया लेकर के काम कर रहा है, पॉकेट भर रहा है मुखिया, मनमानी कर रहा है, और अधूरा काम है पूरा जो कि आदमी जो है इससे 13 नंबर वार्ड में इस मुखिया से जो है इस प्रकार से अगर न सड़क है न नाला का काम पूरा है, इंदिरा आवास में लूट खसोट मचा हुआ है, जब ऐसा स्थिति है तो आप लोग ग्रामीण मुखिया का या जनप्रतिनिधि का घेराव क्यों नहीं करते? क्योंकि हम वोट दिए तुमको विकास के लिए, अब विकास हो नहीं रहा है, तुम अपना विकास कर रहे हो, तो आप लोग कभी घेराव किए, शिकायत किए? बहुत बार हम लोग जो है किए, लेकिन ये जो है ना कोई इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये लोग को जो है ना अपना जहाँ होता है मनमानी करता है, बार बार जो है हम लोग जो है जाके पंचायत भवन में जाके बोले, ये लोग बोला ठीक है अगले अथी में होगा, और इस बार भी बोल रहे हैं तो बोलता है कि अब तो अभी आवंटन नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, तो इस तो सर जो है फिर जो है आज अब फरवरी पार हो रहा है, अब महीना मार्च आएगा, बोलेगा आचार संहिता लग गया तो ये लग गया तो ये अब आएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग जब जीतेंगे फिर काम करेंगे। यही सब जो है सो बरगला रहा है मुखिया जो है चांदपुर पंचायत में। कहीं ना कहीं विकास के नाम पर ग्रामीणों को ठगा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, कोई भी विकास कार्य सड़क हो या नाला यहाँ पूरी तरीके से नहीं विकसित है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे हम, और जो स्थिति है गांव की अभी फिलहाल, क्या क्या विकास कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा हो रहा है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? आशीष यादव। आपके क्षेत्र में क्या लगा पिछले 2-2.5 साल में जो मुखिया अभी हैं वर्तमान, उनके द्वारा कैसा विकास कार्य हुआ? विकास कार्य तो कुछ नहीं है, ऊपर से फिर एक लॉकडाउन का हवाला देता है, और फिर एक रंगमंच भी बनाया गया वो भी मतलब अधूरा काम छूटा हुआ है। सड़क तो बाकी आप देख ही रहे हैं, अभी तक मतलब पक्की सड़क मतलब मेन रोड से जुटा भी नहीं है, वही नाला तो बताया ही चचा। बाकी जहाँ तक है कि लाइट कोई भी है, लाइट का भी जो है जहाँ जहाँ पोल है, जहाँ पोल गिरा हुआ है टूटा हुआ है, ना तो ट्रांसफार्मर सही ढंग से, ना बिजली जो है ना कभी नहीं देख पा रहा है, कितना खबर दिए लेकिन जो है 13 नंबर वार्ड में कहीं नहीं, सब ठग रहा है जो है, जितना भी है ठग रहा है जो है। ये लोग जो है ना स्टेज बना करके छोड़ दिया है, अभी तक जो है ना प्लास्टर ना हुआ है ना कुछ हुआ है, यहाँ रोड जो है पूरा एकदम मतलब हम लोगों का भी जो है ना सब जनता जो है ना इतना हल्ला करने के बाद भी जो है ये जो है अपना मनमानी ही चला रहा है मुखिया जो है, 13 नंबर वार्ड में कोई काम विकास नहीं किया है ये। अच्छा, आपके क्षेत्र में ऐसा कहीं है कि इंदिरा आवास के नाम पर जो है 10-15 या 20 आदमी को घर मिला हो और पैसा नहीं लिया गया हो, ऐसा कुछ कहीं स्थिति है? नहीं, सबसे पैसा लिया है, जितना भी इंदिरा आवास में हुआ है उसमें भी जो है मनमानी जिसका जिसका है, जिसके पास में घर है नहीं है, जिसके पक्का है मकान है उसको मकान दिया, और बाकी जिसके पास में झोपड़ी है उसको भी जो है मकान अभी तक नहीं दिया है। और पैसा तो जो है ना ये 20-20 हज़ार रुपया जो है हर मतलब जनता से लिया, हर जनता से जो है। ग्रामीण क्षेत्र में लूट खसोट मची हुई है, इसी को लेकर हम दौरा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या क्या विकास कार्य ठप पड़ा है। चाचा, आप बताइए कि आपके क्षेत्र के विकास कार्य से आप खुश हैं? जो उम्मीद मतलब था हम लोगों को, उस उम्मीद के से तो कोई काम मतलब नहीं हुआ है, जनता ना खुश है। जनता ना खुश है, एक शब्द में ये जवाब बहुत बड़ा मतलब निकालती है कि जनता ना खुश है। जनता, इस क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रही है, परेशानियों से जूझ रही है, हजार बार लाख बार इस चीज़ों की शिकायत करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और ग्राम योजना या फिर ग्रामीण विकास वैसे की वैसी ठप पड़ी हुई है। आगे हमारे साथ बने रहिएगा, हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, हर वार्ड में जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या है सच्चाई विकास की ग्रामीण क्षेत्रों में। फिलहाल अभी हम एक जल मीनार के बगल में खड़े हैं और यहाँ
पर ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या जल की है, ना तो पीने का पानी है और ना ही घर में स्वच्छ पानी किसी और काम के लिए। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जल मीनार तो आपके क्षेत्र में बन गया है, पर क्या है समस्या कि आपके घर तक पूरे क्षेत्र में नल सूखा पड़ा है, पानी की समस्या बरकरार है, क्या चाहते हैं आप अपने मुखिया से? पानी का और नल का, नाली का व्यवस्था। नाली तो निर्माण हुआ है आपके क्षेत्र में, लेकिन नाली हम देखे भर गया है पूरा गोबर से। नाली उसने भर गया तो मुखिया सही नहीं बनाया, ये रोड भी बनाया, किधर भी रोड डाला 3 इंची, किधर 2 इंची, मुखिया ने रोड में, और रोड में जैसे जिस जगह डाला उसमें रोड में बोला कि आप कुछ ना कर सकेगा। और भी लोगों से बात करेंगे। चचा, क्षेत्रम की छो रोड सड़क कुछ बनलो छो मुखिया द्वारा, खुश छो? बनलो छे तो ना खुश नहीं है, छे तब टूटो फूटो बनाए दिला छे, यहाँ रंग बने छे रोड नाला हो, आज का छवा मत खब्बा खड़ा छोड़ लच्छे, पैसा भी वहाँ बाकी छे, पैसा देवे आई बेन करे छे। अरे इंदिरा आवास और घर मिली छो तोरा सुनी का? हाँ इंदिरा आवास और कुछ मिलो छे। पैसा कोड़ी लेकर? नहीं पैसा कोड़ी लक नहीं है, अगल बगल खर्चा जे कम लगते तो दही नहीं पड़ते खर्चा जना एबा ना जना जे करे छे, मैं तो कुछ लेबे न करता हूं। कितना लगवा तैयो? यार 2-4 हजार। पानी की समस्या लगातार क्षेत्र में बरकरार है, सड़क और नाले से भी यहाँ के ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे। चचा, मुखिया काम संतुष्ट छो? तो मुखिया पर जाना है तो केनो मुखिया चाहे छो क्षेत्र की विकास होना चाहिए? रात बात बढ़िया है, घुस खोरवा मुखिया बा चोर है। ग्रामीण लगातार अपने जनप्रतिनिधि से आक्रोशित हैं और अपनी परेशानियों को अब तक पहुंचा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। क्षेत्र में ना तो समुचित ढंग से नालों का निर्माण हुआ है और ना ही समुचित ढंग से सड़क या पानी की व्यवस्था पूरी की गई है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपने शो में दिखाते रहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हो रहा है और कितना लूट खसोट इस क्षेत्र में, या फिर सरकार की नजर से बचकर लूट खसोट कितना चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ सिल्क टीवी पर। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया, चांदपुर पंचायत के कुछ वार्डों में हो रहे विकास कार्यों को आप तक पहुंचाया। अभी चांदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल होगी और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। अनिमेश जी, ग्रामीण क्षेत्र आपका पूरा दौरा किया हमने, बहुत ऐसा समस्या है जिसको लेकर ग्रामीण परेशान है, जो सबसे अहम समस्या है वो है नाला, नाला पर पाट नहीं होना और जल, इस दोनों को लेकर आप कुछ बताइए। मैंने जो नली गली योजना से जितने भी नाला बनाया, चाहे वो चांदपुर पासवान टोला का नाला हो या चांदपुर में मंडल टोला से लेकर के हरिजन टोला तक जो नाला मैंने अभी इधर हाल में बनवाया, और चाहे एक मिश्रा टोला में नाला बनवाया, टोटल में पाट होगा, जाके आप उससे अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए, ठीक है। और करीब चांदपुर गाँव के लगभग गली को मैंने पक्कीकरण में तब्दील कर दिया है, एक तो अगर कहीं बचा होगा तो बचा होगा, ठीक है। और चांदपुर के 15 वार्ड में लगभग समान रूप से विकास की राशि खर्च की, ये सबसे पहली बात। दूसरी ये कि सड़क नाला का निर्माण कराया, भवन के रूप में हमने चौपाल बनवाए हैं, ठीक है। और नल जल का काम यहाँ PhD के हाथ में है, चूँकि जगदीशपुर प्रखंड में PhD देख रहा है, तो उसकी स्थिति 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड में दयनीय है, जल आपूर्ति संकट में है। और कोई सवाल हो तो। इंदिरा आवास को लेकर कुछ अटकलें थी, बहुत सारे ग्रामीण बता रहे थे कि इंदिरा आवास को लेकर बहुत सारी समस्या है। उन्होंने बताया कि या तो बहुत देरी हो रही है या फिर खाना पूर्ति हो रही है, पैसा मांगा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि 500-500 लेकर लिस्टिंग किया गया नाम का, 25-25 हजार रुपया लिया गया घर देने के नाम पर, इस पर क्या सफाई देना चाहते हैं? मुझे कोई सफाई नहीं देना है, मैं ये कहना चाहूँगा जिन्होंने 500 रुपया लिया है उसको लिखित शिकायत करना चाहिए, हमारे पास भी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी, जिन्होंने ऐसा किया है, घोर अपराध किया है, जनता को जिन्होंने लूटने का काम किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात आवास योजना की, तो इंदिरा आवास अब है नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वित है, मेरे ख्याल से कि
लगभग दो सालों में 239 आवास का रजिस्ट्रेशन नया हुआ मेरे पंचायत में लोगों को मिला। अब कहीं कहीं क्या है कि मजदूर वर्ग के लोग हैं, एक किस्त गया वो बीमार पड़ गया तो काम रुक गया, उस वजह से राशि दोबारा नहीं मिला। कहीं कहीं क्या है कि ईंट बनाने के लिए लोग हमारे पंचायत से बाहर जाते हैं, उस वजह से वो बाहर चले गए तो उसको आवास में मतलब वो 2-4% ज़्यादा नहीं। और कुछ लोग को तीसरा किस्त में इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक घर ढलाई नहीं किया, तो प्रोविज़न ये है कि हम जब घर ढलाई करते हैं तो फिर उसको तीसरा किस्त का पैसा मिलता है। गुणवत्ता और कार्य में अनियमितता को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें थी, सड़क का निर्माण हो या फिर नाला का निर्माण हो, उसकी गुणवत्ता को लेकर बहुत सारी शिकायत थी। ग्रामीणों ने कहा कि एक साल पुराना सड़क जर्जर होने को है, 2 इंची या 2.5 इंची ढलाई है, नाला भी जहाँ जहाँ निर्माण हुआ वो सारा जगह पर कहीं भी सुचारू रूप से पानी का बहाव नहीं हो रहा है। तो इस पर ध्यान देना जरूरी समझ रहे हैं आप या फिर इसको विकास कार्य में नहीं लेते हैं आप? बिल्कुल लेते हैं, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तकनीकी कार्य को देखने के लिए जेई हैं, इंजीनियर हैं, उनके निगरानी में कार्य हो रहा है। अगर गुणवत्ता में कमी है तो वार्ड क्रियान्वयन दोषी हो। हमारे साथ थे चांदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, इन्होंने अपना पक्ष रखा और जो सच्चाई है वो हम आपको हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पहुंचकर लगातार दिखाते रहेंगे। विकास और मुद्दा, ये दोनों चीज ऐसी है जो आमने सामने हमेशा खड़ी रहती है। विकास को लेकर क्या क्या मुद्दा होता है उस पर हम गहन रिसर्च करते हैं और आप तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं। जिस पंचायत में जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इस क्षेत्र की जनता ने बहुत सारा आरोप लगाया अपने जनप्रतिनिधि पर, विकास कार्य यहाँ क्या क्या हुआ ये सभी चीज हम आपको दिखाएंगे। पर फिलहाल मेरे पीछे आप एक मकान देख सकते हैं जो नवनिर्मित मकान है। इस मकान की लागत आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक सड़क बनाने में, एक नाला का निर्माण करने में जितना वक्त लगता है उससे बहुत ही ज़्यादा वक्त एक घर का निर्माण करने में लग सकता है। पर आप पूरे क्षेत्र के भ्रमण के दौरान इस चीज़ों का आकलन कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं और इतना समझ सकते हैं कि नाला का निर्माण या सड़क का निर्माण पूरे क्षेत्र में कहीं भी पूरा नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र में हर जगह विकास कार्य आधा अधूरा अटक गया, पर घर का निर्माण पूरा हो चुका है और ये वही घर है जिसमें मुखिया जी रहते हैं। इस क्षेत्र के मुखिया द्वारा पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में घर का तो निर्माण करवा लिया गया, पर पूरे क्षेत्र में कहीं एक नल का निर्माण या एक नाला का निर्माण सुचारू ढंग से या पूर्ण रूप से क्यों नहीं हुआ, ये सवाल बहुत ही परेशान करती है। सरकार द्वारा लाख डंका पीटा जाए पर ग्रामीण कितना परेशान है अपने जनप्रतिनिधियों से और मुखिया द्वारा लूट खसोट कितना चरम पर है, इस बात का आकलन हमारे दर्शक खुद कर सकते हैं। आला अधिकारियों द्वारा अपना पॉकेट भर लिया जाता है, जांच के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है और मुखिया दबंग बनके चार टांग वाली कुर्सी पर बैठकर अपना राज्य और अपना सरकार चलाते हैं। देखते रहिए सिल्क टीवी पर।